भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे जल्द ही भोजपुरी सिनेमा के शोमैन निर्माता प्रदीप के शर्मा की फिल्म सदा सुहागन का हिस्सा बनेंगी। इस फिल्म में पहले से ही दिनेशलाल यादव निरहुआ और काजल राघवानी लीड रोल के लिए कास्ट किए जा चुके हैं। अब प्रदीप के शर्मा ने अपनी नई फिल्म के लिए आम्रपाली दुबे को भी साइन कर लिया है। ये जानकारी प्रदीप के शर्मा ने आम्रपाली से मुलाकात की तस्वीरें शेयर कर दी है। प्रदीप के शर्मा ने कहा कि आम्रपाली दुबे एक बेहतरीन अदाकारा है, वे हमारी स्क्रिप्ट में फिट आती है। हमारी फिल्म सोशली स्ट्रांग होने वाली है, इसको ध्यान में रखकर हमने निरहुआ, काजल और आम्रपाली को कास्ट किया। मुझे उम्मीद है कि ये तिकड़ी बॉक्स ऑफिस पर कमाल करेगी। टीम इंडिया ने सेंचुरियन में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। विदेशी सरजमी पर बुमराह ने 100 विकेट पूरे किए। बता दें कि साउथ अफ्रीका के सामने 305 रनों का टारगेट है, जिसके जवाब में अफ्रीकी टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 94 रन है। कप्तान डीन एल्गर 52 रनों पर नाबाद है। पांचवें दिन जहां विराट एंड कंपनी की नजरें 6 विकेट लेकर मैच जीतने पर रहेगी, तो मेजबान टीम का लक्ष्य मैच को ड्रॉ कराना होगा। साउथ अफ्रीका अभी भी जीत से 211 रन दूर है। वही अफ्रीकी टीम ने अपने पहले 2 विकेट 34 के स्कोर पर गंवा दिए थे। इसके बाद डीन एल्गर और रेसी वान डेर डुसेन ने चौथे विकेट के लिए 135 गेंदों पर 40 रन जोड़े। अर्जुन तेंदुलकर 13 जनवरी को महाराष्ट्र के खिलाफ कर सकते हैं डेब्यू। पिछले साल कोरोना के कारण मुंबई को नहीं मिला था मौका। दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर अगले रणजी ट्रॉफी सीजन के लिए मुंबई टीम में चुन लिए गए हैं। सलिल अंकोला की अगुवाई वाली मुंबई की सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने बीते बुधवार को 20 मेंबर्स वाली टीम की घोषणा की। साथ ही कहा है कि मुंबई को पहला मैच 13 जनवरी से महाराष्ट्र के खिलाफ खेलना है। टीम अभी पहले 2 मैचों के लिए चुनी गई है। अर्जुन आईपीएल के पिछले सीजन के लिए मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा भी बने थे, लेकिन उन्हें एक भी मैच में मौका नहीं मिला। सलिल अंकोला ने कहा, अर्जुन पिछले कुछ समय से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। कोहली कुकाबुरा गेंद को लेकर अंपायर से उलझे, लगभग 10 मिनट तक रुका रहा खेल। गौरतलब है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन एक अजीब वाकया देखने को मिला। साउथ अफ्रीका की टीम जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आए तो कप्तान विराट कोहली के साथ पूरी टीम इंडिया ने खेल ही शुरू नहीं होने दिया। टीम इंडिया का कहना था कि उन्हें गेंदबाजी के लिए दी गई कुकाबुरा गेंद पुरानी है, इसके चलते लगभग 10 मिनट तक खेल रुका रहा। इस दौरान कोहली अंपायर से बहस करते हुए भी नजर आए। इसके बाद मैदान पर नई गेंद का बॉक्स दोबारा लाया गया और कप्तान कोहली ने रविचंद्रन अश्विन के साथ मिलकर हर बॉल को अच्छी तरह से परखा। इसके बाद उन्होंने गेंदबाजी के लिए एक गेंद चुनकर अपनी टीम को दी और मैच में खेल आगे शुरू हुआ। यूपी में चुनाव आने से पहले ही झांसी स्टेशन का नाम बदला दिया गया है। बता दें कि स्टेशन का नाम वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की तरफ से 3 महीने पहले नाम परिवर्तन करने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया था, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सोनीपत में 1 जनवरी से वैक्सीन सर्टिफिकेट की नियमित जांच की जाएगी, साथ ही मास्क लगाने को लेकर अधिकारियों से सख्ती करने को कहा गया। बता दें कि हरियाणा के सोनीपत में ऑटो चालकों के लिए 1 जनवरी से कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य कर दी गई है। जिन चालकों ने दूसरी डोज नहीं ली है, वे रोड पर मिले तो उनकी ऑटो को प्रशासन जब्त कर लेगा। डीसी ने बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में कोरोना वैक्सीन को लेकर 1 जनवरी से लागू की जा रही व्यवस्था के प्रबंधों की समीक्षा में ये आदेश दिए। डीसी ललित सिवाच ने कहा कि ऑटो रिक्शा चालकों के लिए भी वैक्सीन अनिवार्य है।